Hi, I'm Shaniza Hussain from Batulolog Ba, and Mirchi FM is number one in Ba. Mera naam hai Tuate Namaka Nendike. Mirchi FM Julum hai mama. I'm Sharon from Lomalomalotoka and I'm a big fan of Mirchi FM. I'm Ravi Singh from Nambitu Singatoka and I love Mirchi FM because it always plays hit songs. I'm Safina from Bimbin Coffee House. I love listening to Mirchi FM and it's really hot. Mirchi FM, it's hot. नमस्कार फीजी, समाचार दर्शन के साथ रोहितिका प्रताप। स्थानीय रूप से प्रोड्यूस की जा रही ब्लैंक सीडीज के क्वालिटी में सुधार लाने की मांग की जा रही है, जबकि यह दावा किया जा रहा है कि वर्तमान के सीडीज ग्राहकों और वीडियो लाइब्रेरी ऑपरेटर्स के लिए बहुत महंगा है। सीडीज को वर्तमान में केवल जयंती कालवन लिमिटेड द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ये दावा किया जा रहा है कि ब्लू सीडीज कई डीवीडी प्लेयर्स में फ्रीज हो जाते हैं या फिर बिल्कुल चलते ही नहीं है। फिजी वीडियो लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रवीण रामा का कहना है कि उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है जब नाराज ग्राहक रिप्लेसमेंट्स की मांग करने लगते हैं। एसोसिएशन का दावा है कि ब्लू सीडीज एक बॉन्डिंग प्रोसेस से जाता है जिस वजह से इसमें डिफेक्ट्स हो जाते हैं। इस सिलसिले में जयंती कानवन लिमिटेड और फिजी रेवन्यू एंड कस्टम्स अथॉरिटी को सवाल भेजे गए हैं। पिछले सप्ताह फिका ने कई दुकानों पर छापा मारा था जो वाइट सीडीज खरीदते हैं। रामे कोस्टल विलेज नया वुटोका, जिस पर सीधे रूप से ट्रॉपिकल साइक्लोन विंस्टन का असर पड़ा था, के लोग दूसरी जगह बसने के लिए जा रहे हैं। 60 परिवारों को अब अपना घर समुद्र से दूर पहाड़ी इलाकों में बनाना पड़ रहा है। विलेज एल्डर सोलियासी नाला ने बताया कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित है। कोरो में दो लोगों की जान साइक्लोन विंस्टन के दौरान चली गई थी। कई लोगों के घर टाइडल वेव्स में बह गए थे और उन्हें हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी की ओर से छोटे छोटे घर दिए गए हैं। एनरोलमेंट ना होने की वजह से किसी भी बच्चे को घर पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल टर्म शुरू हो चुकी है। एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का कहना है कि उन्हें कई माता पिताओं से ये शिकायत मिल रही है कि वे अपने बच्चों के लिए स्कूल खोजने में दिक्कतों का सामना कर रही हैं। स्कूल शुरू होने में एक सप्ताह हो चुकी है और कई बच्चे अभी भी पढ़ाई को मिस कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी का कहना है कि अगर माता पिता अभी भी स्कूल खोजने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तब वे उनकी मिनिस्ट्री आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को अपने घरों के पास स्कूल्स में एनरोल होना चाहिए, क्योंकि स्कूल जोनिंग से ओवरक्राउडिंग को कम किया जा सकेगा। और खेलकूद में सभी की नज़र से तेरे की बितुनी याता पर थी, जब पिछले महीने दुबई में उन्होंने वोडाफोन फिजी सेवंस टीम की ओर से डेब्यू किया था। लेकिन बितुनियाता के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि जब वे नवसोरी में अंडर 19 टीम की ओर से खेलते थे तब से अपने लक्ष्य को तय कर लिया था। बितुनियाता के परिवार वालों ने उन्हें अभी तक काफी समर्थन प्रदान किया है। यह थे आज के मुख्य समाचार। याद रहे, समाचारों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM को सुन सकते हैं। शुभरात्रि। हमारा नाम संत कुमार है, हम रेडियो फिजी 2 सुनता है और ताबुआ में सबसे बेहाल रेडियो फिजी 2 है यार। हम बिना फिमलेस रकविंदी ताबुआ से रेडियो फिजी 2 हमारा सबसे फेवरेट स्टेशन है। हमारा नाम ब्रूस राव है, रेकरेकी मार्केट बेंडा और रेडियो फिजी 2 देश के धड़कन 1954 से हम सुनता है। हम कबली ताबुआ रहता है, हमारा नाम है रमेश चंद और हमारी मछली के धंधा है और हम सब टाइम रेडियो फिजी 2 सुनता है। रेडियो फिजी 2 देश की धड़कन।